हाउ डिड बाबर केम टू इंडिया वो देखते हैं। पहले वील हैव टू अंडरस्टैंड दी सेंट्रल एशियन पॉलिटी इस टाइम पे क्या है। प्लीज लेट मी नो फर्स्ट, इज द बोर्ड विजिबल टू यू क्लियरली? मैप दिख रहा है, बोर्ड विजिबल है, जल्दी से बताओ। ओके चलिए, बाबर कौन था पहले यहां पे आते हैं। अंडरस्टैंड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सुनना है इसे ध्यान से। ये मंगोल्स इन्हें क्यों बोलते हैं? व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज मंगोल्स, मंगोल्स क्यों बोलते हैं? और ये मंगोल थे कौन? मंगोल्स की जीनियोलॉजी को लेके, उनकी रूट्स को लेके अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग व्याख्या है, फिलोसफीज है। चाइनीज हिस्टोरियंस के मुताबिक कुछ अलग उसकी कहानी है, यूरोपियन स्टडीज में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनकी कुछ अलग हिस्ट्री की कथा है। तो एक्चुअल में वो थे कौन? ऐसा बोला जाता है कि मंगोल खान इस चीज को समझते हैं। मंगोल खान जो कि इस पार्ट पे रूल कर रहा था, मंगोल खान, मंगोल खान कौन था? ही इज द फर्स्ट पैट्रियार्क किंग ऑफ द मंगोल ट्राइब। उन्हीं के नाम से मंगोल रेस पड़ गया। एंड द वर्ड मंगोल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मोंग, मोंग मींस ब्रेव, अ डेयर डेविल। तो मंगोल खान, ही वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइनीज डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी एट दैट पॉइंट इन टाइम इन चाइना, चिन डायनेस्टी के साथ थे वो, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होती थी और हमेशा ये चाइनीज डायनेस्टी जो है वो मंगोल्स को परेशान करते थे, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो मंगोल खान वॉज टू सब्जुकेट द चाइनीज एम्पायर या चाइनीज किंग, एंड ही वॉज एबल टू एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, दैट इज मंगोल डायनेस्टी। मंगोल खान के ही नाम पे उसके रेस का नाम पड़ गया मंगोल्स, ठीक है। और ये मंगोल्स थे कौन, कौन सी ट्राइब इन्हें बोला जाता है? इनको बोला जाता है इस टाइम पे, ध्यान रखना है, इस मैप को यहां पे देखिएगा, ये वाली जो रीजन है सेंट्रल एशिया वाली, यहां पे ये पूरी एरियाज पे एक रेस था जिसे बोला जाता है तातर्स, तातर ट्राइब। ये चाइनीज जो फिलॉसफी है उसके तहत बोला जाता है। तो इस सेंट्रल एशिया पे भी और इस मंगोल वाले रीजन पे भी, कुछ चाइना का पार्ट भी है, यहां पे जो रेस रहते थे उसे बोला जाता था तातर्स। इन तातर्स के तीन क्लासिफिकेशन है, तीन डिफरेंशिएशन, तीन तरह के तातर्स होते थे। एक होते थे व्हाइट तातर्स, एक होते थे ब्लैक तातर्स, एक होते थे वाइल्ड तातर्स। इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो, इसका मतलब ये नहीं है व्हाइट तातर्स है तो गोरे होते थे, ब्लैक तातर्स है तो काले होते थे, ऐसा नहीं था। इनकी क्लासिफिकेशन इनकी सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर थी कि कौन से लोग कितने ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। इसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन चाइनीज हिस्टोरियंस करते हैं, ठीक है। यूरोपियन हिस्टोरियंस के अगर हिसाब से हम जाएंगे, इफ यू कंसिडर द फिलोसफी ऑफ द यूरोपियन हिस्टोरियंस,
तो उनके हिसाब से तातर जो है वो सिर्फ सेंट्रल एशिया में रहते थे, और जो मंगोल्स थे वो एक वाइल्ड ट्राइब थे, वो एक वाइल्ड ट्राइब थे, जंगली नोमैड्स, हर्डर्स, जो एक बंजारे की जिंदगी जीते थे, दे वर नॉट सिविलाइज्ड। तो जो वाइल्ड तातर है, जो वाइट तातर है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन वाइट तातर, जो चाइना के पास रहते थे यहां पे किर्गिस्तान और तजिकिस्तान वाले रीजन पे, जो तातर्स है और जिन्होंने चाइनीज इन्फ्लुएंस में आके चाइनीज कल्चर को अपनाया, वो है वाइट तातर्स, ठीक है। उसके बाद ये कजाकिस्तान, ऊपर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में और भी एक तातर ट्राइब जिसे बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है ब्लैक तातर्स। ये वाइट तातर्स कुछ ज्यादा सिविलाइज थे, ये जो ब्लैक तातर्स है थोड़े कम सिविलाइज थे,